बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों के लिए और मेरे लिए एक दुआ कि अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जहानों में कामयाब करे, आमीन। सब मिलकर कहें आमीन। तो आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाली थी कि आप लोगों का जो तर्जमातुल कुरान का पेपर है वो आप लोगों का उसका सिलेबस क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है। जी, सिलेबस जो है वो आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर से ये तर्जमातुल कुरान का पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट किया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप लोगों को जो है ये 8 सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा और साल बाद इसका पेपर लिया जाता है। तो आप लोगों को जो पेपर आएगा वो आपका अब सेकंड सेमेस्टर में होगा पेपर, और वो पेपर होगा 60 मार्क्स का, 60 नंबर का आपका ये पेपर होगा। जी, 60 नंबर का आप लोगों का ये पेपर होगा, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले जो सवाल आएगा वो होगा कि मदरजा ज़ैल आयत मुबारक का उर्दू में या अंग्रेज़ी में तर्जमा करें। आप लोगों को जिस तरह इजी होगा, कई बच्चों ने इंग्लिश में तर्जमा किया होता है, उनको इंग्लिश इजी लगती है, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है वो उर्दू को ही पढ़ती है, उर्दू को ही ज़्यादा समझती है। कुरान मजीद के तर्जमे के कुरान मजीद का तर्जमा है जो उर्दू में ही ज़्यादा करते हैं बच्चे। तो आप लोगों को ये 10 आयात आएंगी, 2 नंबर की 1 आयत होगी और 10 की 10 ही आप लोगों ने अटैम्प्ट करनी होगी। आगे जो सवाल नंबर 2 है वो आप लोगों को आएगा, रब के साथ 10 जमाए मुतसल्ला लगाएं और इनके मायने बताएं। अब ये क्वेश्चंस मैंने तो नहीं किया हुआ, आप लोगों को करवाया होगा ज़रूर कॉलेज में, तो ये बदल के भी आ सकता है, कभी आपको रब आ सकता है, कभी आपको आ सकता है दीन के साथ 10 अल्फाज बनाएं, ऐसे उनके मायने लिखें। जो 3रे नंबर पे क्वेश्चन है वो है जी आप लोगों का अल्फाज और मायने का, आप लोगों को अरबी में 10 अरबी में आप लोगों को अल्फाज दिए जाएंगे तकरीबन 20, उनके आप लोगों ने मायने लिखने होंगे। जो 4थे नंबर पे सवाल होगा वो ये होगा कि मुदरजा ज़ैल अल्फाज की मदद से वाहिद की जमा बनाएं। आप लोगों को उन्होंने वाहिद भी दिए होंगे और जमा भी दिए होंगे, लेकिन जो जमा दिए होंगे उनकी तरतीब नहीं होगी, वो आगे पीछे होंगे। तो आप लोगों ने पढ़ के देख के उनको तरतीब से बराबर करके लिखना है कि इसका ये वाला वाहिद है तो ये वाला इसका जमा बनेगा। आगे जो सवाल नंबर 5 है वो है, आयात को इनके तर्जमे से लकीर के ज़रिए मिलाएं, मतलब कि आप लोगों को आयात दी जाएंगी छोटी 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 और साथ में ही उनका तर्जमा लिखा होगा, लेकिन वो तर्जमा तरतीब से नहीं होगा, बेतरतीब होगा। आप लोगों ने आयत पढ़ के उसका तर्जमा भी पढ़ के तो उनको मैच करना है कि ये इस आयत का तर्जमा है, इसमें ये वाली आयत का तर्जमा मैच हो रहा है, इसको हम मिलाएंगे। तो ये आप लोगों का 60 मार्क्स का पेपर पैटर्न मैंने आपसे शेयर किया है, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी मैं बना दूंगी जो कि लास्ट ईयर होगा हुआ है, और कोशिश होगी मेरी कि मैं उसको सॉल्व करके ही बनाऊं। स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वो साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना स्टूडेंट्स। थैंक यू।